2022 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल लगातार आमजन को अपने कुनबे में शामिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज डोईवाला विधानसभा की थानो न्याय पंचायत के अंतर्गत कोटी मचयक गांव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सैकड़ों महिलाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस ने महिला उत्थान के लिए कई विजन बनाए हैं और कांग्रेस की सरकार आने पर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बहुत से कार्य किए जाएंगे। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हमेशा ही रावत जी डोईवाला के कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं। कुछ ही पूर्व समय पूर्व रावत जी विस्थापित क्षेत्र में भी आए थे, अठरूवाला क्षेत्र में, जहां उन्होंने रात्रि प्रवास किया था, कार्यकर्ताओं की समस्या सुनी थी, बुजुर्गों की समस्या सुनी थी और उसके बाद डोईवाला शुगर फैक्ट्री में गन्ना किसानों की मांग को लेकर वो धरने पर बैठे। डोईवाला में पदयात्रा भी उनके द्वारा की गई और आज रावत जी यहाँ हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र के गाँव में यहाँ पहुँच रहे हैं। तो दूर दूर से हम देख रहे हैं कि महिलाएं यहाँ भारी संख्या में, यहाँ महिलाएं पहुँची हैं, बुज़ुर्ग पहुँचे हैं। कुछ ही देर में रावत जी यहाँ पहुँचने वाले हैं और सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है क्योंकि रावत जी जन जन तक पहुँच रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2022 का चुनाव नज़दीक है और जो घोषणा पत्र होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, उसको लेकर भी रावत जी खुद कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं कि आपकी क्या समस्या है। वो यहाँ आए, उन्होंने इतने प्यार से लोगों की समस्याओं को सुना। यहाँ पर हर वर्ग के लोग हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं। वो सबसे प्यार से मिले और सबकी समस्याएँ सुनी। साथ साथ हमने जो कांग्रेस का एक सदस्यता अभियान बना रखा है जो चल रहा है पूरे राज्य में कि मेरा बूथ मेरा अभिमान, और इसमें कांग्रेस के सदस्य बनाने का जो अभियान पुरजोर पे चल रहा है वो यहाँ पर रावत जी ने उसका शुभारंभ किया एक ग्राम पंचायत कोटी मैचक के सीरियों गांव में। और मैं यहाँ रेखा बहुना ग्राम प्रधान की हैसियत से मैंने सब लोगों को यहाँ पर एकत्र किया और सब लोग इतने उत्साह से यहाँ पर आए। और रावत जी का बहुत जल्दी का कार्यक्रम ये था, सिर्फ उनके एक आह्वान पर ही लोग आए हैं और लोगों में इतनी ज़्यादा उत्सुकता है कि वो बस अब दोबारा जब हरीश रावत जी हमारे क्षेत्र में आए तो उनका ये कहना है कि हम इन्हें मुख्यमंत्री के बतौर उनको यहाँ बहुना जी ने एक महिला चौपाल लगाई थी और लोग भी गांव के और लोग भी जुड़े थे। बड़ा अच्छा लगा और बड़ी अच्छी अच्छी बातें आई। थानो हॉस्पिटल की बात उठी कि उसका उच्चीकरण होना चाहिए। यहाँ एकाध सड़कों को लेकर के आंदोलनरत हैं लोग, उन सड़कों की बात आई। और फिर रेखा जी ने बताया कि किस तरीके से रेखा रोड बनी है यहाँ, उसका जिक्र आया। और सबसे अच्छा ये लगा कि जो यहाँ के महिला स्वयं सहायता समूह हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मुझे पिनालू के गुटकों की बात और भुने हुए पिनालू की बात, यहाँ अपने गांव का बचपन याद आ गया। देखिए इतना अच्छा, इतना शानदार वातावरण है यहाँ का। तो महिला स्वयं सहायता समूह को कैसे आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी बनाया जा सकता है, कैसे वो उनको हमारे राज्य के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने का माध्यम बनाया जा सकता है, उस पर बड़ी चर्चा हुई और लोग कांग्रेस के सदस्य बने। हमारी बहनें बड़ी संख्या में कांग्रेस की सदस्य बनी, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। और मैं इस गांव के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक आदर्श गांव के रूप में यहाँ की जो ग्राम प्रधान हैं इसको विकसित कर रही है।